वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न जनरल साइंस इंग्लिश इन क्लास 6। आवर लेसन इज लेसन नंबर 6, सबटेंस इन डेली यूज। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6, सबटेंस इन डेली यूज़। अगर इस चैनल को में आप नए हो, इस चैनल पर अगर आप मैं नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ आज का जो लेसन है जनरल साइंस इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 में, और लेसन नंबर 6 है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे बच्चों, आपने लास्ट चैप्टर में आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था कि हमारी लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में होते, लिक्विड के फॉर्म में होते, गैस के फॉर्म में। जैसे मैंने बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपने आइस क्यूब देखा होगा, आइस क्यूब एक सॉलिड फॉर्म है, लेकिन अगर हम वाटर जो पीते हैं या हम मिल्क पीते हैं, जूस पीते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। अभी यहाँ पे गैस, अभी गैसियस सब्सटेंस आ गया। अभी यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस आपने देखा होगा, जैसे आप वाटर बॉईल करते हो, एक आपने कंटेनर लिया, उसको वाटर को बॉईल किया, तो उसमें जो वेपर निकलता है, जैसे वो भाप निकलती, वो क्या, जैसे आपने कभी किचन में गए होंगे, आपकी मम्मी राइस कुक कर रही है या वाटर बॉईल कर रही है, तो आपने देखा होगा जो वेपर निकलते हैं वो क्या है, भाप रहती है। अब भाप की जो वेपर है वो गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म आ जाती है। तो आज का जो लेसन है हमारा किससे रिलेटेड है, सब्सटेंस इन डेली यूज़, मतलब हमारी जो लाइफ में कौन कौन से सब्सटेंस डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। कैन यू रिकॉल नंबर 1, विच 3 ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द पिक्चर। अभी आपको नज़र आ रहा है कि आपको कौन से 3 पिक्चर नज़र आ रहे हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये कबर्ड है, ये टेबल है, चेयर है, आपको नज़र आ रही है बच्चों ये। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, जैसे आपके घर में कबर्ड भी होता है, टेबल भी होता है, चेयर भी होता है, ड्रेसिंग टेबल भी होता है, व्हाट मटीरियल आर दे मेड ऑफ। अभी आपको ये नज़र आ रहा है कबाड़, अभी कबाड़ किससे बना है, जैसे आपने स्टील देखा होगा, लोखन देखा होगा। अरे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है किसका बना है, जैसे आपके घर में जो टेबल होगा, देखो प्लास्टिक के भी टेबल आते हैं और लकड़ी के भी आते हैं, ऊट के भी आते हैं टेबल आते हैं, ऐसे स्टील के भी आते हैं। कैन एनी वन ऑफ दिस मटीरियल टू बी यूज और मेक ऑल 3 ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा कोई मटीरियल है जो तीनों ऑब्जेक्ट मटीरियल के लिए इस्तेमाल होता हो। जैसे आपने वुड देखा होगा, आपने लकड़ी तो देखी होगी ना जो हमें ट्रीज से मिलती है। अभी लकड़ी की हम चेयर भी बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं और कबर्ड भी बनाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, और आपने स्टील देखा होगा, स्टील की चेयर भी होती है बच्चों, आती है, स्टील का टेबल भी होता है, स्टील का कबर्ड भी होता है, इसको हम लोखंड बोलते हैं। अब प्लास्टिक, बच्चों आपने प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की टेबल, लेकिन प्लास्टिक का कबाड़ बहुत कम होता है, जैसे बच्चों का जो कबाड़ होता है, बड़ों का कबाड़ तो काफ़ी कम होता है, लेकिन प्लास्टिक का टेबल चेयर ज़रूर आपने देखा होगा। सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अभी जितने भी सब्सटेंस आपने देखे होंगे बहुत ही, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस है, लेकिन बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है। ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक शेप, देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बाय विच वी आइडेंटिफाई देम। यूज़ वुड, प्लास्टिक, स्टील टू मेक टेबल। अभी आपने देखा होगा जो सब्सटेंस काफ़ी छोटे होते हैं, जो सब्सटेंस आपने देखे होंगे ना बच्चों, तो काफ़ी छोटे होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपने वुड का सब्सटेंस देखा होगा, प्लास्टिक का प्लास्टिक की चीज़ें देखी होंगी, स्टील की चीज़ें देखी होंगी, जो हम टेबल, चेयर, कबर्ड बनाने में इस्तेमाल करते होंगे। आपके घर में लकड़ी का कबर्ड भी होगा, लकड़ी का चेयर भी होगा, या लकड़ी का टेबल भी होगा। ऐसे बहुत से घरों में प्लास्टिक की चेयर भी होती है, प्लास्टिक की टेबल, प्लास्टिक का कबर्ड भी होता है, स्टील भी, आप स्टील की चेयर, टेबल, कबर्ड होते हैं, लेकिन ये सब्सटेंस काफ़ी बारीक होते हैं। दिस सब्सटेंस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक द आर्टिकल, ऑल्सो दिस सब्सटेंस कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप, इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू यूज दम फॉर मेकिंग थिंग। अभी यहाँ पे जो सब्सटेंस काफ़ी बारीक होते हैं, चाहे वो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, द सेम टाइप्स ऑफ मटीरियल कैन बी यूज टू मेक एनी मैनी ऑब्जेक्ट, लेट अस स्टडी सम सच एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो वुड होगा, स्टील होगा, प्लास्टिक होगा, चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉटन क्लोथ, फाइबर और थ्रेड, सारी, हैंकरचीफ,
क्वाइल, मैट्रेस, पिलो एक्सेट्रा। जैसे अभी कॉटन का सब्सटेंस होता है, जैसे कॉटन हमें फ्लावर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, लेकिन कॉटन की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम उसका धागा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं जो साड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है, हैंकरचिप बनाते हैं, क्वाइल्ट हम बनाते हैं, हम मैट्रेस गद्दा बनाते हैं, पिलोज बनाते हैं एक्सेट्रा। आयरन, अभी आपने आयरन देखा होगा, लोहा काफ़ी मजबूत होता है, कंस्ट्रक्शन स्टील बार, ग्रिडल्स, तावा, पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल कबर्ड एक्सेट्रा। अभी आयरन से हमें हमारी काफ़ी चीज़ें बनती, जैसे हमें कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल करते हैं, स्टील के हम बार्स बनाते हैं, ग्रिडल्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक के पोल्स, टेबल कबर्ड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। एलुमिनियम, जो किचन के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल केबल्स एक्सेट्रा के केबल्स जो होते हैं, आपने केबल्स से वायर देखे होंगे, वो उसमें इस्तेमाल होता है। बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस वी कैन सेलेक्ट सब्सटेंस सुटेबल फॉर आवर पर्पस। दिस सब्सटेंस इन एवरी डे यूज आर फॉर्म ऑफ टू मैन काइंड, नेचुरल एंड मैन सब्सटेंस। अभी यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो मैन मेड सब्सटेंस होते हैं, दूसरे नेचुरल मेड सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हमें उसे अच्छी तरह से क्लासीफाई करना है कि कौन से मैन मेड है, कौन से नेचुरल है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द यूज। सब्सटेंस सैंड, सोप, वूल, विंडो ग्लास, बैम्बू, कॉटन, ब्रिक्स, सिल्क, लिफी वेजिटेबल, सीमेंट, फ्रूट, वाटर, शुगर। अभी यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जैसे कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ मैनमेड भी हैं। अभी यहाँ पे आपको ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ईच विच कैन बी मेड फ्रॉम सर्वल सब्सटेंस। आपको भी एक लिस्ट बनानी कि कौन सी चीज़ें बनी, जैसा आपने मैंने आपको बताया विटेंजिल इलेक्ट्रिक केबल एल्यूमिनियम से बनी है, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल, चेयर हो गए, वो आयरन के बने हुए हैं। और यहाँ पे कॉटन के क्या बने हुए, पिलोस, कॉटन, जैसे खुद से हम क्या बनाते हैं, कपड़े, ट्रैट, सारी हैंकरचीफ, मैट्रोस, पिलोस वगैरह बनाते हैं। कैन यू टेल नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन, वाटर, सॉइल, मेटल्स। अभी आपने देखा होगा, आपने लेदर भी देखा होगा, जैसे ये जो लेदर है हमें भी एनिमल्स की स्किन से मिलता है, और जूट देखा होगा, वूल देखा होगा, वूल भी हमें शिप से मिलता है, कॉटन हमें फ्लावर से मिलता है, वाटर जो है वो हमें नेचर से मिलता है, सॉइल, मेटल, ये सब हमारे सब नेचर से बिलोंग करती है। लेकिन आपको सॉइल नज़र आ रहा है और आपको लेदर, ये वुड नज़र आ रहा है, ये सब क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। और कॉटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हैं, सॉइल हो गया, यहाँ पे वुड हो गया, लेदर हो गया, जूट हो गया, कॉटन, वाटर, सॉइल, मेटल्स, ये सब सारी चीज़ें क्या है बच्चों, नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब हमें गॉड की तरफ से मिली गई है। सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल नेचुरल सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस नेचुरल को बिलोंग करते हैं, नेचर हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल, उसे हम नेचुरल सब्सटेंस बोलेंगे। ऑफ दिस द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस हमें नेचुरल से नेचर से मिलता है उसे हम बायोटिक सब्सटेंस बोलेंगे। एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंस डेट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा एयर, हवा भी देखा होगा, सॉइल भी, वाटर देखा, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंस, मतलब वो नॉन लिविंग में आएंगे। नंबर टू, हाउ आर लेदर वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन। आपने लेदर देखा हो, जैसे हमें एनिमल की स्किन से मिलता है, वूल भी हमें शिप से मिलता है, इस तरह जूट, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अभी जैसे लेदर हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है, वूल भी हमें शिप से मिलता है, दे आर फॉर्म ऑफ एनिमल ओरिजिन, वेर इज जूट, कॉटन आर सब्सटेंस ऑफ और सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन। जैसे हमें कॉटन, जूट हमें कहाँ से मिलता है, जिसकी देखे आपने देखा होगा, कॉटन, जूट की हम क्या बनाते हैं, कॉटन से हम कपड़े बनाते, फैब्रिक बनाते हैं, हैंकरचीफ बनाते हैं, लेकिन जूट से हम क्या बनाते हैं, हम सैक बैग बनाते हैं, हम मैट, हम चटाई बनाते हैं, झाड़ू, हाँ, और हम झाड़ू भी बनाते हैं बाम्बू से। डू यू फाइंड प्लास्टिक, नायलोन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर। क्या आपको प्लास्टिक नेचर से मिलती है, नायलोन हो गया, ब्रास हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें हमें नेचर से नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे मैंने आपको एक एक करके बताया था, सॉइल है, ये लेदर है, ये जूट है, ये वुड है। ये कॉटन है, स्टोन है, ये ट्रेड है, आपको ये नज़र आ रहा है, स्टोन है हो गया, ये झाड़ू हो गया, पिलो हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब चीज़ें किससे बनी है, ये हमें देखना है।
मैं इनमेट सकता हूँ, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल। अभी गॉड ने ह्यूमन बींग को तो बनाया, जैसे प्लानट अर्थ पे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स बनाए, ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, लेकिन जो ह्यूमन बींग है वो नई चीज़ें को डेवलप करते रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इस एफर्ट, मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंस बट ऑल्सो बिगन टू प्रोसेस टू देम टू मेक न्यू सब्सटेंस। सर्वल सच सब्सटेंस आर इजिएस्ट टू यूज एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट लो कॉस्ट। देयर फॉर दिस सब्सटेंस केम टू बी इन लार्ज यूज ऑन लार्ज स्केल। देर आर ग्रेट मैनी सच मैन मेड सब्सटेंस आर यूज इन टूडे। अभी आपको कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो मैन मेड के बनाए गए हैं। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस आर कौन मैन मेड सब्सटेंस। अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैन मेड के बनाए हुए कौन से सब्सटेंस है, आपको पिलो, चेयर, पॉट, कप, शूज, पेन नजर आ रहा है, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, शूज, पेन और वायर। अर्लियर इल्डिस और कैप्स आर मेड ऑफ ग्रास और सेक क्लोथ वर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। देख देन क्लोथ अम्ब्रेला केम इन टू यूज नाउ डिस रेनकोट स्कूल बैग एंड द बुक्स कवर यूज यू कैन बुक्स कवर यू यूज कैन बी ऑल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अभी आपने पहले जो ग्रास कैप्स वगैरह जो रहते थे, सेक क्लोथ वगैरह हम रेनी सीजन इस्तेमाल करते थे एज अ हम जैसे रेनकोट, अम्ब्रेला, गमबूट बनाना है, लेकिन आजकल लोग रेनकोट और स्कूल बैग, बुक कवर वगैरह लोग प्लास्टिक से बनाते हैं। डेलिकेट आर्टिकल एंड पेरिशेबल फ्रूट एक्स्ट्रा रिक्वायर पैकिंग टू पैक टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, बिग कार्टून एंड थर्माकोल आर बींग यूज। अब यहाँ पे जो डेलिकेट चीज़ें होती है जैसे फ्रूट्स रखते हैं और कुछ ऐसे नाजुक चीज़ें रखनी होती है जैसे कांच के बर्तन वगैरह हो गया या टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो देखो आपके घर में अगर न्यू टेलीविज़न आया होगा या एसी आया होगा या रेफ्रिजरेटर आएगा तो देखो आपने थर्माकोल देखा होगा, थर्माकोल से पूरा कवर किया रहता है। ऑल दिस आर मैन मेड सब्सटेंस, मतलब ये सब चीज़ें किससे मैन मेड ह्यूमन बींग ने बनाया है। दिस सब्सटेंस आर वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट एंड लाइट वेट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जो थर्माकोल आपने देखा होगा बहुत ही वाटर प्रूफ रहते हैं, मतलब उनमें पानी का कोई असर नहीं होता और बहुत लाइट वेट होते हैं, मतलब इन्हें कैरी करने के लिए काफ़ी आसानी होती है। दैट इज़ वाई दे आर बींग यूज इंक्रीजली, इसलिए थर्माकोल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है कि थर्माकोल से हम डेलीकेट कांच वगैरह की चीज़ें, मशीनी की चीज़ें हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंस अवेलेबल इन द हाउस एज नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस। अभी आपको क्लासीफाई करना है कौन से जो सब्सटेंस आपने घर में देखा होगा मैन मेड के हैं और कौन से नेचुरल है। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड सब्सटेंस, एरिया ऑफ यूज कंस्ट्रक्शन। नेचुरल सब्सटेंस जैसे अगर आपके घर, आपने अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा कोई कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो देखो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस चीज़ों का इस्तेमाल करते, नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते, बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट फ्रंट्स एंड लाइम। अभी यहाँ पे मैन मेड का सब्सटेंस क्या है, जैसे मैन मेड का सब्सटेंस क्या है, ब्रिक हो गया, जैसे जो ईंट होती है, सीमेंट होती है, कॉन्क्रीट, गैल्वेनाइज्ड शीट होती है, क्ले होती है, टाइल्स होती है, और क्ले टाइल्स होती है, प्लास्टिक और एबेकस शीट होती है। अभी यहाँ पे आपको देख रहे हो राइटिंग मटेरियल, अभी यहाँ पे जैसे हमें राइटिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है, जैसे राइटिंग, जैसे आपने देखा होगा ट्री बार्क लीव्स एंड भुजपत्री पेंस मेड फ्रॉम रीड धूलपत्तिया, स्टोन स्लेट, स्टोन वॉल्स इन केव्स एंड सॉइल इन कलर मेड फ्रॉम प्लांट्स। अभी यहाँ पे जो कुछ जो लिखे थे लोग पहले दीवारों पे लिखा करते थे वो भी कौन से पेन से लिखते थे, यहाँ पे कुछ लोग पत्तों में भी लिखते थे, मतलब उनका जो पेन कैसा रहता था दीवारों में लिखते थे, मतलब उनका पेन कैसा रहता था बच्चों, भुजपत्री, मतलब पत्तों पे बन लिखते थे, भुजपत्रे पेन का इस्तेमाल करते थे, ये नेचुरल सब्सटेंस है। अभी मैन मेड की बनाई हुई कौन सी चीज़ें हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अभी पेन प्लास्टिक से बना है, पेंसिल किससे बना है, वुड से बना होता है, मेटल से बना होता है, अभी पेपर, नोटबुक हो गई, ये सब मैन मेड की चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे अपना ट्रेड धागा फाइबर यान देखा, अभी यहाँ पे जो हमें जो ये ट्रेड फाइबर यान नेचुरल सब्सटेंस क्या है, कॉटन, सिल्क, वूल, मतलब कॉटन, ये जो मेन मेड की चीज़ें हैं नायलॉन और रेयॉन है। यूज़ योर ब्रेन पावर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, शो हाउ सब्सटेंस ऑफ
डेली यूज आर क्लासीफाई, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो डेली यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल सब्सटेंस बताया, मैन मेड बताया। जैसे नेचुरल जो आयोबिटिक बायोटिक होते हैं और जो मैन मेड होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग बनाता है, मतलब बायोटिक जैसे हैं वो प्लांट एनिमल्स हमें मिलते हैं। जैसे हमें लेदर हो गया और वूल हो गया हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कॉटन हो गया और हमें सिल्क हो गया वो हमें हो गया ये हमें प्लांट से मिलता है, वुड हो गया। ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आपने कांच देखा होगा, कांच आपने देखा होगा, जो कांच होता है वो किससे बना होता है, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ग्लास। अभी आपने देखा होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट बार बार तो उससे हम नहीं बना सकते ना, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अगेन फ्रॉम ग्लास। यू मस्ट है ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमाटो टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम। लिसन, आपने हरी मिर्ची देखी होगी और टोमाटोज भी देखा होगा, जो टोमाटोज भी देखे होंगे, जैसे आपने ग्रीन चिली देखी, हरे टमाटर भी आपने देखे होंगे, जो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते, रेड हो जाते। हैव यू एवर सीन हर्ड ऑफ रेड टमाटो बिकमिंग अगेन ग्रीन अगेन। लेकिन आपने देखा होगा कि जब एक बार टमाटर रेड हो जाता है क्या दोबारा वापस से ग्रीन होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ग्लास को हमने सैंड और कैल्शियम से बनाया, लेकिन वापस से ऐसा नहीं, हम ग्लास से हम सैंड और कैल्शियम हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वाइल मेकिंग मैन मेड सब्सटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट अंडरगो चेंज, दिस चेंज अकर ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। अभी यहाँ पे जो मैन मेड रहता है, जैसे ह्यूमन बींग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। दिस चेंज इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट, दिस चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट, डेट इज ऑरिजिनल दिस चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट, डेट इज द ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस, सच चेंज आर कॉल्ड इवर्सिबल चेंज। अभी यहाँ पे कुछ चेंज जो रहते हैं वो इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ चेंज जो परमानेंट होते, कुछ चेंज जो रहते हैं वो चेंजेस नहीं हो पाते। जैसे मैंने आपको ग्रीन चिली और टोमाटो का बताया, ग्रीन टोमाटो का कुछ समय बाद, कुछ वक्त के बाद वो रेड हो जाते, लेकिन आफ्टर रेड होने के बाद वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस, रबर इज अ टू टाइप, नेचुरल आर्टिफिशियल। अभी आप जैसे रबर हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन दो तरह का रबर होता है, रबर प्लांट भी होता है, जैसे नेचुरल सब्सटेंस नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम गम ऑफ सैप ऑफ ट्री। अभी नेचुरल रबर हमें कहाँ से मिलता है, गम ऑफ सैप ऑफ ट्री मिलता है। दिस सैप इज कॉल्ड लेटेक्स। रबर हैज़ अ पेकुलर ऑर्डर, इट इज़ वाइट इन कलर, मतलब उसका एक पेकुलर ऑर्डर होता है और वो वाइट कलर का पाया जाता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद सल्फर फ्रॉम 3 to 4 hours। अभी यहाँ पे जो रबर में चेंजेस कैसे आता है, जैसे रबर को हम सल्फर के साथ मिक्स करके 2-3 या 4 घंटे हम गर्म करते हैं। टू गिव हार्डनेस टू द रबर सल्फर इज मिक्स इन इट, जैसे हम रबर को हार्ड बनाने के लिए सल्फर और मिक्स करते। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय प्रपोज फॉर विच द रबर विल बी यूज, मतलब रबर को हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर और मिक्स किया जाता है। इरेजर, रबर बॉल, रबर टॉयस ऑल हैवी वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन दैम। इन रबर बैंड द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। जैसे आपने रबर बैंड देखा होगा, जैसे हम रबर बैंड ऐसा होता है ना, ऐसे बहुत सारे कलर का होता है, उसमें ज़्यादा सल्फर मिक्स नहीं किया जाता है। लेकिन आपने ऐसे रबर के टॉय देखे होंगे, जैसे आपने रबर के बॉल देखे होंगे, रबर के डक देखे होंगे, रबर के टायर देखे होंगे, मतलब उनको रबर को स्ट्रांग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर और मिक्स किया जाता था ताकि रबर जो है काफ़ी हार्ड हो जाए। इन द पास्ट चार्ल्स गुडियर स्पिल अ मिक्सचर ऑफ रबर सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव, मतलब पास्ट में क्या था, चार्ल्स जो थे गुडियर, उन्होंने क्या किया, रबर और सल्फर को मिक्स कर दिया स्टोव में। आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश्ड ही नोटिस द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक, मतलब उन्होंने जब उसको गर्म किया तो रबर काफ़ी मजबूत हो गया था, लेकिन में इलास्टिक क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अब जैसे इलास्टिटी हम किसको बोलते हैं, किसी रबर को हम जोर से खींचते हैं वो लंबा होता है तो वो इलास्टिटी है। ही रिपीटेड दिस एक्सपीरियंस सिस्टमेटिक वे, इन्वेंटेड इन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन हार्ड एंड टफ टायर ऑफ रबर मेड देयर वॉज ब्राउथ अबाउट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसमें चेंजेस आने लगे। डू यू नो रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लेटेस्ट ऑफ सर्टेन ट्री, जैसे रबर हमें
एक्सेप्ट ट्री प्लांट से मिलता है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन ब्राज़ील। अभी रबर ट्री का जो वो कहाँ मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ब्राज़ील में मिलेगा। लेटर दिस ट्रीज वर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू, मतलब ये सारे ट्रीज बाकी कंट्री में भी उगाए जाते हैं। द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज हीवी ब्रासिलिनेसिस। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन रबर इन केरला। जैसे यहाँ पे इंडिया में आपने देखो केरला में ज़्यादा रबर के ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग पेपर, अभी यहाँ पेपर कैसे बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर, आपने देखा होगा जैसे हमें जो है पेपर, जैसे यहाँ पे आपको ट्री नज़र आ रहा है, यहाँ पे जैसे हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है, हमें वुड से मिलती है। तो ये लकड़ी जो है उसे हम पीलिंग करते हैं, पीलिंग द लॉग वी दी बाकिंग द लॉग्स। हम जैसे हमें आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमें ट्री से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है। लकड़ी को हम क्या करते हैं, वुड को क्या करते हैं, अच्छी तरह से हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं, उसे हम फैक्ट्री में डालते हैं, फिर उसे डाई करते हैं, उसमें कुछ मिक्सर डालते हैं, उसका हम पल्प बनाते हैं। पल्प बनने के बाद उसे एक मशीन में डालते हैं, प्रेसिंग द पल्प विथ रोलर, रोलर के साथ मशीन करते हैं। फिर बाद में इसकी कटिंग की जाती है जिससे एक पेपर बन जाता है। बाइंडिंग द पेपर्स ऑन रील्स, जैसे आप उन्हें आपने मतलब आपको आपने वुड कहाँ से लिया, ट्री से लिया, अब उसको कट करके आपने एक फैक्ट्री में डाला, एक मशीन में अच्छी तरह से काटा, फिर उसे मशीन में डाला, उसमें कुछ पल्प को मिक्स किया है, ठंडा डाई की उसमें मिक्स किया, फिर बाद में उसे एक मशीन में डाला, मतलब ऐसी मशीन जो कट रही है उसमें से क्या निकल रहा है, पेपर निकल रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर, मतलब कैसे पेपर बन रहा है। पेपर इज द सब्सटेंस ऑफ मटेरियल फॉर्म ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ सेलुलस फाइबर इन ग्रास वुड रैग और वेस्ट पेपर। दस पेपर इज काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलुलस फाइबर। अभी पेपर हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हमें हमारा जो ग्रास रहता है, सेलुलस फाइबर रहता है, लकड़ी रहती है, वुड रहती है, उससे हमें पेपर मिलता है। हाउ इज पेपर मेड, अभी पेपर कैसे बनता है। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर। अभी कॉनिफरस ट्री जो है मतलब उसके जो पाइन रहते हैं वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द बाक ऑफ द लॉग्स ऑफ दिस ड्रीज ट्रीज फर्स्ट रिमूव द वुड इज ब्रोकन इन टू स्मॉल पीसेज, द मिक्सर ऑफ दिस पीसेज एंड सम केमिकल ऑल्सो कैप सोकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इट हेल्प टू फॉर्म पल्प। वैन द केमिकल प्रोसेस कम्प्लीटेड, द फाइबर सब्सटेंस फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड एंड सम डिस आर एडेड, द पल्प इज देन पास थ्रू रोलर एंड ड्राइड फॉर्म पेपर, फाइनली वुड ऑन रील्स। अभी हम जैसे मैंने आपको ऊपर ही प्रोसीजर बताया था कि जैसे हम क्या करते इसे, जैसे हम लकड़ी हमें जो वुड रहती है हमें प्लांट से मिलता है, उसको हम काट करके एक मशीन में डालते हैं, इसमें इसकी जो पल्प में हम कुछ मिक्स करते हैं, कुछ मटेरियल हम मिक्स करते हैं, जिस तरह ये मशीन से कट करके एक रोलिंग की फॉर्म में निकलता है, जिस तरह हमें पेपर मिलता है। पेपर वुड आर क्लोजली रिलेटेड टू सेव ट्रीज इन एक्सेसरी यूज पेपर स्पैंगली। Do you know, in India, the first factory to manufacture newsprint paper to use be used for newspaper was established at Nepanagar in Madhya Pradesh in 1955. Paper also manufactured at Songhat in Gujarat. In Maharashtra, there is a paper factory at Balarpur near Chandrapur. अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी पेपर की मशीन जैसे मध्य प्रदेश में established हुई, गुजरात में हुई, चंद्रपुर में हुई, कि पेपर बनने लगा। जैसे आज पेपर हमारा न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल होता है, बुक बनाने में, बुक बाइंडिंग में। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टियर अ ब्लैंक पेजेस ऑफ नोटबुक, डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस। जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपके पास बुक्स आती होंगी जब स्कूल जाते होंगे, तो आपके पास ब्लैंक पेजेस को आपको फाड़ना नहीं चाहिए, मतलब जो भी है आपको पुराने जो पेपर से उन्हें भी फेंकना नहीं चाहिए जो ब्लैंक पेजेस है। द ब्लैंक साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट, इनर साइड ऑफ पोस्टल एनवेलप, द ब्लैंक साइड ऑफ कैलेंडर पेजेस एंड अदर सच राइटेबल सर्फेस कैन बी यूज टू मेक नोट्स, लिस्ट, टू कवर बुक एक्सेट्रा। डू नॉट थ्रो अवे और अनबर्न अप ऑफ सच पेपर अंटिल इट हैज़ बीन फुल्ली यूटिलाइज लाइक दिस। जैसे आपने ब्लैंक पेपर देखा होगा, आपकी नोटबुक होती है ना, बड़ी बड़ी बुक्स, या आपके घर में कैलेंडर भी होंगे बड़े से,
तो उसके जो साइड का कुछ पेपर्स जो रहता है ब्लैंक रहता है, उसे आपको फेंकना नहीं, मतलब आप उसका कुछ भी आप राइटिंग वर्क में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ पेंसिल स्लेट, मतलब आप जैसा हो सके आप पेंसिल स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कोऑपरेट विद पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम गार्बेज एंड बाय स्क्रैप पेपर एंड बाय स्क्रैप पेपर, आपको ऐसे लोग को कोऑपरेट करना होगा जो मतलब जो गार्बेज से साफ पेपर को जमा करते कलेक्ट करते हैं और स्क्रैप पेपर खरीदते हैं। दिस पीपल हेल्प इन प्रॉपर रिसाइकलिंग रिसोर्स, मतलब कुछ पेपर जैसे आप लास्ट ईयर क्लास फाइव में होंगे, आपकी जो भी ओल्ड बुक्स है आपने रद्दी वाले को ऐसे भंगाड़ की शॉप में आपने सेल कर दिया होगा, लेकिन आपको जो गुड पेजेस है उसको संभाल के रखना चाहिए। फाइंड आउट वेयर वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर इन्वेंट, मतलब यहाँ पे पेपर का जो मेकिंग प्रोसेस का कब कहाँ पे इन्वेंट हुआ वो आपको गूगल में सर्च करना है। व्हाट काइंड ऑफ पेपर यूज फॉर आवर टेक्स्ट बुक, व्हाट साइज, जैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें कौन सा पेपर इस्तेमाल होता है, उनका साइज क्या होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। हाउ इज़ पेपर फॉर करेंसी नोट मैन्युफैक्चर, हाउ इज़ पेपर फॉर करेंसी नोट्स मैन्युफैक्चर, जैसे अभी यहाँ पे जब हम नोट बनाते हैं, जैसे हम 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 या 1000 रुपीज़ का नोट बनाते हैं, तो उसमें कौन से किस तरह का पेपर इस्तेमाल होता है वो आपको, उसकी लंबाई कितनी होती है वो आपको सर्च करना है। सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड, अभी यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर है वो कहाँ से हमें मिलता है वो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। कैन यू टेल फ्रॉम विच सब्सटेंस इन नेचर कैन यू गेट थ्रेड ऑफ, मतलब कहाँ से हमें थ्रेड फाइबर मिलता है, जैसे ऑब्वियसली हमें प्लांट कॉटन फ्लावर से जैसे हमें कॉटन्स मिलते हैं, तो ये जो हमें प्लांट से मिलता है। व्हाट क्लोथ आर मेड फ्रॉम, फ्रॉम टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट आर्टिफिशियल यार्न वुड बी प्रोड्यूस टू मीट द क्लोथिंग नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मस्ट सर्च प्रोग्रेस हैज बीन टेकन प्लेस इन द फील्ड। Innumerable kinds of synthetic and artificial thread are now available. Nylon, Dacron, Terrylen, Terran, Polyester, Rayon are names of various synthetic thread. मतलब आज जैसे आपने नायलों के कपड़े देखे होंगे, Terrylen के, Terran के, Polyester के, ये सब कपड़ों के नाम है जिससे कपड़े बनते हैं, फैब्रिक बनता है, साड़ियाँ बनती है। Do you know silk is natural thread or fiber obtained from cocoon of silkworm? अभी यहाँ पे जो सिल्क है वो नेचुरल थ्रेड है, जैसे आपने रेशम का कपड़े देखे होंगे, रेशम का धागा देखा होगा, तो हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, उसके अंडों में से निकलता है, आपको नज़र आ रहा है। फ्रॉम वन कोकून 500 मीटर टू 1300 मीटर ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन, मतलब एक कोकून से हमें 500 मीटर थ्रेड ऑफ कोकून हमें मिलता है। इट इज़ सेड डैट सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इन चाइना, इससे पता चलता है कि सिल्क ज़्यादा क्वान्टिटी में कहाँ पर इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ, चाइना में, लेकिन हमें सिल्क वर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। तो आपको ये ट्रेड नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इन द ओल्डन ने नाउ कैन बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड, अभी जो आर्टिकल्स बनाए जाते थे वो नेचुरल फाइबर से, मतलब पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने में, लेकिन आज हमारा जो ज़माना काफ़ी एडवांस हो चुका है, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलॉन, एक्रिलिक, ऑल सिंथेटिक थ्रेड, मैनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज आर मेड फ्रॉम देम, जैसे हम कपड़ों में भी काफ़ी चेंजेस आ गई, हम नायलॉन रेवन के कपड़े पहनते हैं, ये आर्टिफिशियल ट्रेड है, मतलब मेन मेड इसमें कुछ चेंजेस ला रहा है। दिस ट्रेड वॉर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क लंडन, मतलब ये जो नायलॉन है कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, न्यूयॉर्क लंडन में। देयरफॉर द इनिशियल एनवाय ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंडन एलोन फ्रॉम लंडन वॉर कम्बाइंड टू देम नायलॉन, जैसे यहाँ पे NY जैसे नायलॉन हमें और हमें कहाँ से मिला है, न्यूयॉर्क और लंदन से हमें मिला, मतलब यहाँ पे जो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, न्यूयॉर्क लंदन में नायलॉन हुआ था, इसलिए हमने उसका हाफ ऑफ नाम लिया है NYL LON, तो नायलॉन, मतलब दोनों से हमें, तो दोनों को हमने मिस किया है। देयर द इनिशियल NY ऑफ न्यूयॉर्क LON फ्रॉम लंदन वर कम्बाइंड टू देम नायलॉन। नायलॉन ट्रेड है शाइन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट वाटर रेजिस्टेंट, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ फिशिंग नेट्स रोप सेक्टर, मतलब नायलॉन के कपड़े काफ़ी कैसे होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे हम मछली पकड़ने का जो हमें नेट बनाना होता है, जाली बना सकते हैं, हम रस्सियाँ बना सकते हैं, जैसे कपड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। अभी रेवन हमें कहाँ से मिला, कॉटन वुड पल्प डिसॉल्व इन केमिकल सॉल्ट कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक सॉल्यूशन, अभी हमें कॉटन और वुड पल्प को, लकड़ी के पल्प को आपको डिसॉल्व करना है केमिकल सब्सटेंस में, सोडियम परोक्साइड से सॉल्यूशन बनाना है। ट्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन, एज दिस ट्रेड हैज शाइनी स्ट्रेंथ दे आर सेट टू बी सिंथेटिक सिल्क,
दे अपियर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन्स रे, हेंस दे आर रेवन. अभी ये काफ़ी शाइन करता है इसलिए इसका नाम हमने रेवन रख दिया, जो रेवन के कपड़े काफ़ी शाइन करते हैं. डेक्रोन टेरिलोन टेरेन वेरियस हाइड्रोकार्बन ऑप्टेंट फॉर मिनरल ऑयल आर यूज टू मेक पॉलीमर चेन. और अभी यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को मिक्स किया जाता है उस पॉलीमर चेन बनाने के लिए. और सॉल्यूशन ऑफ सच पॉलीमर प्रेस थ्रू अ स्ट्रेनर विद फाइन होल्स द फाइबर फॉर आफ्टर कूलिंग अ लॉन्ग अंडर ब्रोकन थ्रेड. दिस थ्रेड आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल आर यूज टू मेक थ्रेड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी. दिस डिफरेंट थ्रेड हैव बीन नेम वेरियसली एज डेक्रोन टेरिलोन टेरेन. अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जैसे ये कॉटन के बने हुए हैं, रेयन के, डेक्रोन टेरिलोन टेरेन से बने हैं. ये कर्टेन आपको नज़र आ रहे हैं, ये फैब्रिक से बनाए गए हुए हैं. न्यू वर्ड्स हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस ऑब्टेन फॉर मिनरल ऑयल. अभी हाइड्रोकार्बन हम किसको मिलेंगे, जो सब्सटेंस हमें मिनरल ऑयल से मिलता है, जैसे हमें ज़मीन से जो तेल निकलता है. नंबर टू पॉलीमर चेन लॉन्ग कंटिन्यूस चेंज फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंक केमिकल यूनिट्स. अभी आपने देखा होगा कुछ आर्टिफिशियल ट्रेड आ गए, जैसे जिनमें हम धागों में फैब्रिक में हम कुछ केमिकल मिक्स करते हैं जिससे चमक आती है. तो आपको आर्टिफिशियल ट्रेड से बने हुए ब्लैंकेट नज़र आ रहे हैं, फॉइल नज़र आ रहे हैं. एडवांटेज एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या है फाइबर के, शॉर्ट कमिंग. नंबर वन दिस फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन मास स्केल. मतलब फाइबर को हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अ शॉर्ट कमिंग क्या है बच्चों, दे आर वाटर रिपेलेंट हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब सॉइट फ्रॉम द स्किन. और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो पानी से, जैसे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वाटर, जिसमें पानी बराबर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. नंबर टू दे कॉस्ट लेस एंड मतलब इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है सिंथेटिक फाइबर का. अ शॉर्ट कमिंग क्या है, कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम द स्टेट कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज डिसेस. मतलब कंटिन्यूसली हम कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे सिंथेटिक फाइबर का, जिससे हमारी जो स्किन क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, जिससे हमें स्किन की डिसेस हो सकती है. दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम. अभी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का हम लॉन्ग टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साइंटिफिक क्लोथ आर अनकम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर. जैसे साइंटिफिक क्लोथ कुछ ऐसे भी कपड़े रहते हैं रेवन के, टरी काट के, टरी के लहंग के, जो समर में काफ़ी अनकम्फर्टेबल होते हैं. दे आर वाटर रिपेलेंट हैंस डू नॉट रोट गेट और वेट दे ड्राई इजली. अभी जो ऐसे कुछ कपड़े हैं जो ऐसे हैं, ये साइंटिफिक फाइबर जो कभी सड़ते नहीं है, जल्दी सूख भी जाते हैं. सैंडी क्लोथ आर अनकम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर. दे आर लाइट वेट कम्फर्टेबल टू वियर. अभी यहाँ पे सैंडी फाइबर जो है एडवांटेज क्या है, लाइट कम, इनका वजन भी कम रहता है और ये कम्फर्टेबल रहते हैं पहनने के लिए. नंबर फोर सैंडी फैब्रिक कैचेस फायर इजली. मतलब सैंडी कपड़े में शॉर्ट कमिंग में क्या है, उनमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है. नंबर सेवन एज दे हैव शाइन दे इनहेंस्ड अपीयरेंस ऑफ द वेयर. जैसे जैसे चमकते हैं इनमें, इनकी जो रहती है शाइनिंग वक्त के टाइम के साथ साथ खत्म होने लगती है. नंबर फाइव इफ दे कैच फायर द क्लोथ सिक्स स्टिक टू द स्किन एंड कॉसेस सीरियस इंजरीज. मतलब अगर इन सिंथेटिक फाइबर में अगर आग लग गई तो इनका जो कपड़े हैं स्किन है, कपड़े हैं स्किन के साथ अटैच हो जाती है, जिससे हमारी स्किन में इंजरी आ जाती है अंदर. नंबर एट क्लोथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड आर रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री. मतलब जो भी कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने रहते हैं वो रिंकल फ्री स्क्रैच फ्री होते हैं. दिस फाइबर आर नॉट डीकम्पोज बाई माइक्रोएग्जाम. मतलब ये जो है इनमें मतलब ये कपड़ों में माइक्रोएग्जाम नहीं आते हैं. और ऑलवेज रिमेंबर, अभी आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सेफ टू यूज सेव नेचर, सेव पेपर टू सेव ट्री, यूज पेपर प्रॉपरली इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज ऑफ रिसाइकल द यूज़ पेपर. अभी आपको ट्री बचाना है, जैसे अगर आपको वाकई ट्री से काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें बन मिलती है तो आपको ट्री को कट नहीं करना है. आपको इको फ्रेंडली ज़्यादा पेपर को वेस्ट नहीं करना है, अपने इन्वायरमेंट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है. ऑल्दो देर आर सम डिसएडवांटेज इन यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, दे कैन बी यूजफुल इफ दे आर यूज इन प्रॉपर वे, दे रिड्यूस द लोड ऑन द यूज ऑफ नेचुरल. मतलब सिंथेटिक फाइबर के कुछ फ़ायदे ऐसे भी हैं
मतलब उन्हें हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. व्हाट यू लर्न, यू यूज टू टाइप ऑफ मटेरियल, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल मटेरियल में भी बायोटिक अबायोटिक. बायोटिक मटेरियल इधर अ प्लांट ओरिजिन एनिमल ओरिजिन. अभी यहाँ पे जैसे जो बायोटिक है वो है और मटेरियल हमें प्लांट्स एनिमल से मिलता है. रबर पेपर साइंटिफिक फाइबर है इंपॉर्टेंट मेड मेड मटेरियल इन आवर डेली यूज. अभी रबर ये बहुत ही साइंटिफिक फाइबर है, वो मेन मेड के बनाए हुए जो चीज़ें जो हमारी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं. मेन मेड मटेरियल ऑप्टेन बाय यूजिंग सर्टेन पर्पस. मतलब जो मेन मेड मटेरियल हम अलग अलग प्रोसेस में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. साइंस वॉच, व्हाई स्टडिंग साइंस वी डू वेरीफाई व्हाट वी लर्न बट व्हाट अबाउट अदर. इट इज़ नेचुरल टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी दैट देयर इज साइंस बिहाइंड एवरी फिनोमेना. लेट एक्सप्लेन टू देम व्हाट यू हैव लर्नड एंड लेट अस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज. बेसिस ऑफ आवर नॉलेज. जैसे बच्चों हम साइंस तो पढ़ते हैं कि साइंस में आज हमने क्या सीखा, नई नई चीज़ों को हम फील करते हैं कि जो भी चीज़ें बनी उसके पीछे कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट एक गहरी स्टोरी छुपी हुई होती है. तो आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था. तो आई होप आप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.